ओ बाबा भुजननाथ महाराज, ओ भवन तेरा आज, ओ भुजननाथ महाराज पवन तेरा आज सजाया। खास बाबा जी क्योंकि सब भक्तों की पूरी करते आस बाबा जी, ओ पूरी आस बाबा जी। ओ भुजननाथ महाराज भवन तेरा आज सजाया। खास बाबा जी ओ सब भक्तों की पूरी करते आस बाबा जी, ओ पूरी आस बाबा जी। महाराज भवन तेरा आज सजाया। आज बाबा जी ओ सब भक्तों की पूर्ण करते आज बाबा जी, ओ पूर्ण आज बाबा जी। बाबा भुजननाथ महाराज भवन तेरा आज सजाया। खास बाबा जी सब भक्तों की पूर्ण करते आस बाबा जी। पहली कली में जिक्र है कि जो जो इस बाबा की समाधि पे आके अपने मस्तक को झुकाते हैं उनमें घर परिवार में आस पड़ोस में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। और जिस घर परिवार में सुख समृद्धि होगी वहां हर रोज दिवाली मनती है, हर रोज त्योहार वर्गा काम रहे। और ना तो जिस घर में कलेश हो 24 घंटे लठ बाजे खड़ा उड़क कड़े त्योहार मन दे। पहली कली में जिक्र है कि जहां बाबा की मेहर फिरती है वहां अलग नजारा होता है। और ताड़ी बजाओ जब ढंगसर बजाया करो, न्यू कौन से यहाँ पे डर रहे हैं किसी से, ताड़ी बजाया करो ढंगसर। पहली कली में क्या कह दिया, बीमारी घर में खुशियां भरते। ओ तन मन की सब काट बीमारी घर में खुशियां भरते। ओ तन मन की सब काट बीमारी घर में खुशियां भरते। करते उत्सव रोज रोज करते उत्सव रोज बनी रह मौज बढ़े। एकलास बाबा जी तुम सब भक्तों की पूर्ण करते आस बाबा जी, ओ पूर्ण आस बाबा जी। भुजननाथ महाराज भवन तेरा आज सजाया। आस बाबा जी ओ सब भक्तों की पूर्ण करते आस बाबा जी, ओ पूर्ण आस बाबा जी। ओ तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा मैं, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, चोरी भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, चोरी भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। आदरणीय सुरेश पंडित जी महाराज, 100 रुपए से बाबा भुजननाथ जी महाराज के इस भजन पे मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। पहली कली में जिक्र कर कि जो भी तेरे दर पर आवे सबके दुखड़े हरते। तन मन की सब काट बीमारी घर में खुशियां भरते। फिर करते उत्सव रोज बनी रहे मौज बड़े एकलास बाबा जी, सब भक्तों की आड़ पूर्ण होती आस बाबा जी। दूसरी कली में जिक्र है कि बाबा की समाधि पे हरेक इंसान ये चाहता है कि कलयुग के इस पहरे में
अपने इष्ट देवता के अपने बाबा जी के मैं दर्शन कर लूं कलयुग में साक्षात। वैसे तो ये संभव नहीं है कलयुग में, क्योंकि इंसान के अंदर इतने अवगुण भरे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। सारा दिन माने चर्चा चुगली करे, भाई का भाई हक मारे, सासू की बहू की लड़ाई होए, दुरानी जेठानी लड़े आपस में, चुटिया पकड़ पकड़ खींचे उनकी, और फिर न्यू भी सोचते सुनो बाबा के दर्शन हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन यहां फार्मूला बताया है, एक आसान शब्दों में समझाया है कि ये संभव हो सकता है, लेकिन इंसान को अपने अंदर से कुछ अवगुणों को बाहर करना पड़ेगा। दूसरी गली गौर तो सुनियो, ये अवगुण छोड़ दो बाबा साक्षात ना दिख जा तो हमने कह दियो। दूसरी गली में के छोड़ना पड़ेगा के कह दिया। चलियो निर्भय होके बाबा जी ते बेशक आके मिलियो, निर्भय होके बाबा जी ते बेशक आके, ओ निर्भय होके बाबा जी ते बेशक आके मिलियो। लाके देखो सूरत, लाके देखो सूरत, मिले फल तुरंत सुने अरदास बाबा जी, सब भगता की पूरण करते आस बाबा जी, ओ पूरण आस बाबा जी, ओ भरनाथ महाराज भवन तेरा आज सजाया आस बाबा जी, ओ सब भगता की पूरण करते आस बाबा जी, ओ पूरण आस बाबा जी। हमारी माता जी 51 रुपए से बाबा के इस भजन पे मान सम्मान करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ईर्ष्या द्वेष छोड़ के जो कोई, सुनियो चाची ताइयो तो हम सारी ध्यान से, ईर्ष्या द्वेष छोड़ के जो कोई सत मार्ग पर चलियो, सच्चाई के रास्ते पे निर्भय, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के निर्भय होके बाबा जी तरफ फिर बेशक आके मिलियो। इसके लिए एक और करना पड़ेगा काम, लाके देखो सूरत, मिले फल तुरत, सुना अरदास बाबा जी, सब भक्तों की पूर्ण होती आस बाबा जी। तीसरी गली में कौन सी बीमारी है, हमारे आदरणीय सरपंच श्री भागमल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को, एक बार ताड़ी बजाओ, आप पीछे तो नहीं देंदी ताड़ी तो बजाए सको हो, झुंड से 10-10 के लियारी, एक आधी ताई की आदत तो है, एक आधी ताई की सी आदत तो है, चौहान साहब सारी रात 10-10 की शह चढ़ाए रहेगी, उसने रगड़े जागी जनू ईब दे के आऊं गाणिया ने, ईब दे के आऊं गाणिया ने, और फिर उसने दे को नहीं गाणिया ने, उसके सारी डेट डाट मिटो के रगड़ रगड़ के, और तड़के आरती के टाइम उसने चप दे ही थाली में धर देगी, लुक मा के देखो देख ले यू पाटन हो रहा है, इसी भी आदत तो है। देखो मजाक की बात है, कोई आप लोगों को आशीर्वाद ही हमारे लिए लाखों करोड़ रुपए के बराबर है। तीसरी गली में ऐसी बहुत सी बीमारियां, ऐसे बहुत से संकट, ऐसे बहुत से दुख जो केवल बाबा के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। तीसरी गली में उन रोगों का जिक्र, उन बीमारियों का जिक्र है, कौन सी बीमारी वहां घर वासे में, और क्यों कर ठीक हो जाके कह दिया। अरे घनी पुरानी रोड मुकदमा रगड़ा तुरतुन पट जा, लुगाई पूत जने
दर्द कुटुंब का मिट जा। ओ बादल उड़ाई भूत जाए, दर्द कुटुंब का। ओ बादल उड़ाई भूत जाए, दर्द कुटुंब का मिट जा। सुत्या जागे भागे ताई, सुत्या जागे भाग यो धर्म च राग करे। प्रकाश बाबा जी आड़े सब भगता की पूरण करते। आस बाबा जी ओ पूरण, आस बाबा जी। भजन नाथ महाराज भवन के राज सजाया। आस बाबा जी सब भगता की पूरण करते। आस बाबा जी ओ पूरण, आस बाबा जी। ओ ईश्वर सत्य है, ओ सत्य ईश्वर है, श्री सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदर, ओ सुंदर सत्यम शिवम सुंदर। हमारे आदरणीय दादा पटेल जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं पूरी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारी मातृ शक्ति 51 रुपए से बाबा के इस भजन में मान सम्मान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। घनी पुरानी राड मुकदमा रगड़ा तुरंत निपट जा। और एक सबसे बड़ा गृहस्थी का दुख है वो है औलाद का। सतबी सनोप सूरत सिंह के घर से हमारी मातृ जी मातृ शक्ति 51 रुपए से मान सम्मान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सबसे बड़ा दुख है गृहस्थी के औलाद का। घनी पुरानी राड मुकदमा रगड़ा तुरंत निपट जा। बांझ लुगाई भी पूत जने अड़े दर्द कुटुंब का मिट जा। फिर सुत्या जागे भाग यो धर्म चिराग करे। प्रकाश बाबा जी सब भक्तों की आड़े पूर्ण करते। आस बाबा जी। फिर कवि का अपना एक स्वतंत्र विचार होता है कि वो आखिरी कली में यानी अंतिम कली में कवि अपने मन के भाव प्रकट कर सकता है, चाहे वो भजन हो चाहे रागनी हो कुछ भी हो। यहां कवि ने इस गाने बजाने के बारे में जिक्र कराया है। ये हमारी मातृ शक्ति 100 रुपए से मान सम्मान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताड़ी बजाया करो, बजाया करो, शाबाश। और 100 रुपए से हमारी मातृ शक्ति मान सम्मान करती है। बहुत धन्यवाद। एक और ताई के 100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ताई के 100 रुपये, बहुत धन्यवाद। एक ताई के 71 रुपये, एक ताई के 100 रुपये। नहीं मजा आ रहा है, आनंद आ रहा होगा। ए ताई आनंद आ रहा है, एक बार ताड़ी बजाओ फिर तो आनंद आ रहा। तो ईब कौन टाइम वेस्ट होगा। एक ताई के 71 रुपये न्यू बेरा दरखास्त लाई है, मान सम्मान कर जगरात्म दरखास्त भी लाकर नहीं। ताई के हजारों रुपये से मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अरे बुरा ना मान जियो, कहते देने बंद कर जियो। आखिरी हाँ आड़े बेरा फटा है। देखो भाई हमारे चाचे ताऊ भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। हंसी की बात है, कहते बुरा मान जियो आड़े न्यू बेरा फटा है। घर में चल रहे किसकी है, अरे तारी चल रहे। कहते न्यू मान जाओ तम, छोटी हस्ती नहीं हो। आखिरी कली में इस गाने के बारे में जिक्र करिया। मासी जी ने बोले नो तक गंध देश भगदा फिर है, पर जिसने अच्छी अच्छी बात सुननी हो, सत्संग भजन रागनी अच्छी सुननी हो, एड्रेस नोट कर लियो। कड़ा पाओगा वो कभी के करदा पाओगा के कह दिया।
जन जय सुनने आयो तर पता ले लियो मेरा ओ सूत भजन जय सुनने आयो तर पता ले लियो ओ सूत भजन जय सुनने आयो तर पता ले लियो मेरा ताई सुखबीर सिंह से नाम सुखबीर सिंह से नाम बलम भायो गाम महम के पास बाबा जी अरे सब भगत की पूर्ण करते पास बाबा जी ओ पूर्ण या आस बाबा जी ओ पूर्ण आस बाबा जी।